यस हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू द करंट अफेयर्स सेशन मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज है महीने की पहली तारीख दैट इज फर्स्ट जून तो हम लोग करने वाले हैं आज बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो राइट ऑन टाइम हाँ यस लेट्स बिगिन डू लाइक एंड शेयर द सेशन बिल्कुल चलें तो करंट अफेयर्स में जो सबसे पहली बात यह है कि कल हम लोगों ने मनाया नो टोबैको डे देखिए टोबैको मना किया जाता है हेल्थ के लिए लेकिन एक और चीज़ है टीन को और ज़्यादा इसको मना कि, इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के कारण आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है और गवर्नमेंट जॉब लेना है तो सबसे पहले अपने लाइफ से ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा तो ये है आपका टोबैको डे जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है और टोबैको डे में आप देख सकते हैं कि हर साल ये एम है हमारा कि हम ग्लोबली टोबैको के खपत को कंजम्पशन को कम करें इस बार का हमारा थीम है थ्रेड टू आर एनवायरनमेंट यानी कि हमारे वातावरण को ये एक तरह से नुकसान है अगर आप खुद नहीं करते हो और आपके कोई बहुत ही अच्छे फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी कर रहे तो आप उनको अब जाके बोलना मत वरना मार खा जाओगे कि यहां मत करो लेकिन इफ यू थिंक दैट यू कैन कंसोल दैट पर्सन इफ यू कैन मेक हिम और हर अंडरस्टैंड डू हेल्प ओके फिर नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वेपर्स डे अब ये वेपर्स डे क्या है वेपर्स अलायंस तो वर्ल्ड वेब डे ये तीस मे को ऑब्जर्व हुआ एक्रॉस द ग्लोब और ये उन लोगों के लिए है उनके लिए अवेयरनेस है जो हार्मफुल टोबैको प्रोडक्ट और हाईलाइट द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ ई सिगरेट तो लोग टोबैको तो छोड़कर अब ई e सिगरेट की ओर जा रहे हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कोई फायदे का चीज़ नहीं है वो और नुकसान देगा उनके पास उनके पोटेंशियल को और हार्म करेगा और ये वैब डे हम लोग मना रहे हैं तीस तारीख को टोबैको डे हो गया आपका इकतीस तारीख को ये सब डब्ल्यू एच ओ ऑब्जर्व कर रहा है डे ये ये इनिशिएट इनिशिएटिव लिया गया था वर्ल्ड वेपर्स अलायंस एसोसिएशन के द्वारा नेक्स्ट नेक्स्ट आपको अगर मान लीजिए इस पिक्चर पे आपको सोचना है एक थीम तो क्या होगा जल्दी से बताएंगे ठीक तो लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एल ने लॉन्च किया है सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान बीमा रत्न ठीक है तो लार्जेस्ट इंश्योरेंस इंश्योरर था ये और इन्होंने बीमा रत्न को अभी अभी लॉन्च किया है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान तो ये है आपका इस पिक्चर के बारे में जो बात ओके okay. फिर यहाँ पे आप देखें अगर मान लीजिए आपको ये पिक्चर मिले और आपको लिखना हो इस पे एक स्टोरी पीपीडीटी लिखना है क्या लिखेगा तब तक मैं आप लोग में अटेंडेंस ले लूं अनिमेश है पूजाश्री हैं उपासना है ओके आ, रजत हैं फैशन टू फिटनेस स्टूडेंट का नाम है साहिल इशिका भोजपुरी हर्षदा विक्रांत शहदाब हिमांशु लक्ष्मी राम प्रवेश जया चेतन केवल विकास मनीष बीवाईसी राज क्षमा और मनीष ओके और जो लोगों ने अभी हायलो ने किया है अपना प्लीज हाय एलो करके अटेंडेंस करवा लीजिए ओके okay. प्रियांशी भी है हाँ जी ठीक है पूजा विकी योगेश भी है अब देखिए यूएस ओवरटेक्स चाइना एज इंडियाज लार्जेस्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो so, 2022 में क्या हुआ कि चाइना था हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यानी हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चाइना से करते थे लेकिन अब क्या अब हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यूएसए से करते देखिए आपको डेटा याद नहीं रखना है लेकिन आपको सुनना है किस तरह से सुनना है मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में आपके साथ क्या खेला होगा मैं बताती हूं अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग 2021-2022 में बाईलिटरल ट्रेड हुआ है यूएस और इंडिया के बीच में यानी कि आपस में या तो इंडिया इसको एक्सपोर्ट किया हो या तो इंडिया इसे इंपोर्ट किया हो हम यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में यानी कि हम यूएस को ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं बजापते कि उनसे ज़्यादा चीज़ लेते हैं ओके okay? तो इन दोनों के बीच का जो था ये वन बिलियन यूएस डॉलर था अब इसको कैसे समझना है आपको ये समझिए और ये पहले था यूएस डॉलर एट्टी पॉइंट फाइव एग्जाम में क्या होगा कि आपको या तो लिख दिया जाएगा मिलियन या फिर लिखा जाएगा बिलियन तो इसका मतलब कि वो बस ये चाहते हैं कि डेटा नहीं पता हो कोई बात नहीं लेकिन अंदाजा हो कि ये पैसा कितना हो सकता है तो देखें ये जो है ना सौ यूएस डॉलर सौ बिलियन के आसपास ही रहेगा सौ से लेकर दो सौ ले लो उससे ज़्यादा नहीं होगा ठीक है जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट टू यूएस इंक्रीज किए हैं ठीक है थीके? तो एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा है अब मैंने बोला तो ट्रेड सरप्लस में है हम लोग और यहाँ पे पहले इतना था 51 और अब 76 है ठीक है प्रीवियस फिस्कल ईयर से और इम्पोर्ट भी बढ़ाए हैं कि 43 था और पहले तो 29 ही का हम लोग करते थे इम्पोर्ट ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि अगर हमने यूएस से ज़्यादा चीज़ें यूएस से ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करवाई और हमारा एक्सपोर्ट कम है तो ये हो गया ट्रेड डेफिसिट और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कम है तो हो गया ट्रेड सरप्लस तो ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि चाइना के कंपैरिजन में हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहेंगे तो वहां पे अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपना इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं चले और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि चाइना से इंपोर्ट कम भी हुआ है इस बार फोर्ब्स अंडर थर्टी एशिया तो फोर्ब मैगजीन के अकॉर्डिंग अंडर थर्टी कौन से लोग हैं वो हम लोग एक बार देख लें एक नज़र तो फोर्ब मैगजीन के अकॉर्डिंग सेवन फोब थर्टी अंडर थर्टी एशिया का लिस्ट आया है जिसमें फीचरिंग ड कैटेगरी तीस अलग अलग इंडिविजुअल को तीस साल के अंदर जो लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है तो ये बहुत अच्छा बात है कि ये अंडर थर्टी के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं हम लोग इस पर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है और इसमें अभी सबसे ज़्यादा एंट्री सिक्सटी वन एंट्री आया है एशिया पैसिफिक रीजन यानी कि इंडिया जो है टॉप पे किया है फिर सिंगापुर फिर जापान फिर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और चाइना ओके यानी कि तीस से कम के ज्यादा प्रभावी लोग ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हमारे देश में आप लोग को मिलाकर मैं ये बात कह रही हूँ ठीक है अब ये एक पॉलिटिशियन है कि आपको नाम पता है नहीं पता है कोई बात नहीं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बासवराज बोमाई तो बासवराज बोमाई ने आई ऐप को लॉन्च किया है आई ऐप उस स्टेट के सारे हेल्थ और वेलनेस एप्स को का एक आई ऐप है और जितने भी बीमारी होते हैं उसके बारे में एड्रेस करेगा हेल्प करेगा क्रोनिक डिजीज को और लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल <coughs> को थोड़ा और देखेगा देखिए ज्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल के कारण ही हो रही है है ना सुबह उठते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं अगर आप घर में नहीं रह रहे हॉस्टल में रह रहे हैं जॉब कर रहे हैं बाहर रह रहे हैं, हैं। अंड शंड खाते रहते हैं मतलब कि कुछ भी यू आर ईटिंग वेस्ट राइट कि कभी इसमें खा लिए कभी वो ठेला कभी इधर उधर तो ये सब चीजों को हमको ठीक करना है लाइफ को इम्प्रूव करना है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान एस व्यासा कोलैबोरेट कर रहा है डेवलप करेगा इस ऐप को रीसेट टेक के साथ और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है इंटीग्रेटेड हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है ये अब बात होगी इंडिया और पाकिस्तान की अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर वन इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है तो क्या बताइएगा हाँ जी नंबर वन इशू ओके मैं आगे का अटेंडेंस देख लूँ आप लोगों का योगेश अनोनिमस सिद्धांत आयुषी विक्की प्रियांशी का तो हो गया एनोनिमस हो गया विकी हो गया ठीक विवेक हो गए जे हो गए बताइए तब तक क्या इशू है नंबर वन ओके सेनापति भी हो गए ठीक तो देखिए जो नंबर वन इशू है पहले तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग बीच में बात नहीं करते हैं, क्योंकि कश्मीर को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेकिन अब अगर आप देखें कि एक इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल मीटिंग हो रहा है और ये इंडस वाटर ट्रीटी के कारण ये होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इंदस शुरू तो होता है मानसरोवर से फिर इंडिया आता है फिर ये जाता है कराची लाहौर में और लाहौर होते हुए कराची जाता है फिर सी में चला जाता है और इसके बहुत सारे सहायक नदियाँ भी हैं और उनमें से कुछ सहायक नदी हमारी हैं कुछ उनकी हैं तो आपको यहाँ पे बस इतना देखना है कि 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में और ये इंडस वाटर ट्रीटी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दो साइड आर एक्सेप्टेड टू मीट मतलब दोनों को एटलीस्ट साल में एक बार मिलना है पर देखते हैं अभी क्या होगा अभी तो इसको रोका गया है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अब देखिए इतने सारे हम लोगों ने पढ़ लिया मार्क्स वे स्टेपन हो गए मैक्स वेपन चार्ल्स लेक्रेक हो गए तो आपको अब आप थोड़ा बहुत एफ वन रेसर्स का नाम पता होना चाहिए राइट अब इनका क्या नाम है देखिए इनका ये नए हैं अगर आपके आपने नहीं सुना होगा तो रेड बुल इनका नाम है पेरेज, पेरेज और इन्होंने मोनाको एफ वन मोनाको कहा है इटली में है ना तो मोनाको एफ वन ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग जीत ली है और ये मोनाको में हुआ यूरोप में ये आप याद रखिएगा क्लियर है गाइज ओके और ये फर्स्ट मेक्सिकन है जिन्होंने ये अवॉर्ड जीता है ठीक है एंड द फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन टू विन तो ये मेक्सिकन भी है और नॉर्थ अमेरिकन भी है क्लियर है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये बताइए कौन सा स्पोर्ट्स विथ स्पोर्ट्स क्या लगता है कश्मीर इशू को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सही बात है हमारी बात भी कश्मीर के कारण ही नहीं होती है बोल रहे हैं मीसो में कुर्ती सेल करते अच्छा और कोई काम नहीं बचा हमको अब शायद आप तुम ये भी शुरू कर दिए कौन सा स्पोर्ट्स है ये बताइए देखिए बिल्कुल ये कौन सा स्पोर्ट्स है तो हम लोग यहाँ पे जूडो का बात कर रहे हैं जूडो राइट तो नूर सुल्तान नूर सुल्तान कजाकिस्तान का कैपिटल है पहले इसका नाम अस्ताना था नूर सुल्तान है तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इंडिया ने फर्स्ट एवर मेडल जीता है आई बी एस ए जूडो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड का द इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन जू का कपिल परमार तो जदडू का कपिल परमार डिजर्व हार्ट फ्लेट प्रेजिंग फॉर ब्रिंगिंग मेडल टू तु द कंट्री तो ये uh, मतलब ही इज ब्लाइंड और ये पैरा जुड़ो के बारे में बात हो रही है इट इज नोट वर्दिंग दैट अट्ठारह इक्कीस में से अट्ठारह कंट्री दैट दैट्लीट दैट कंपीटेड वन मेडल सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग इराक स्विटरलैंड इंडिया अर्न देयर फर्स्ट मेडल इन द आई बी एस ए ग्रैंड प्रिक्स और ये पैरा जुड़ो के बारे में है आप कपिल परमार का नाम याद रखिएगा ठीक है चले बढ़िया नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट ही नोट ठीक तो पब्लिक सेक्टर बैंक डबल देयर नेट प्रॉफिट टू ऑलमोस्ट देर करोड़ इन प्रीवियस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 यही बोला गया है कि अब धीरे धीरे हम लोग के बैंक जो हैं वो बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं ओके okay. अच्छा यहां पे से किसी भी पर्सनैलिटी का नाम आपको पता है क्या अगर ये सारे पर्सनैलिटी का फोटो आपको दिखाया जाए तो किसी का भी नाम आप बता सकते हैं गुड मॉर्निंग रुपेंद्र, अभिषेक केवल अभय अभिषेक पल्लवी प्रिंसी रवि अंकु हां जी, बीवाईसी नीरज शमा और निधान आ okay. गए हैं ठीक है तो इनमें से आप किसी को भी नहीं जानते वेरी गुड पीयूष गोयल को भी नहीं जानते हैं बहुत बढ़िया तो यहां पे आप देख सकते हैं कि संजीत नरवेकर इनको मिल गया है वी वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एम आई एफ एफ मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट मुंबई इंडस्ट्री फिल्म फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड मिल गया है ठीक है अवार्ड का नाम है डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये मिला है कि इसको डॉक्यूमेंट्री और, और डॉक्यूमेंट्री मेकर और ऑथर श्री संजीत नरवेकर जी को क्लियर है यहां पे पीयूष गोयल आप देखे होंगे बीच में ये पीयूष गोयल है पता होना चाहिए यार धीरे धीरे अब तो पीयूष गोयल जो है ये इनको अवार्ड दे रहे हैं बढ़िया फिर अगर आप इनको जानते हैं क्या दिस इज ऑल्सो न्यूज तो ये नहीं जानते कोई बात नहीं इनकी आवाज सुने होंगे आप लोग अब मैं वो सुना नहीं सकती यहां पे तो आरजे हैं ये रेडियो जॉकी उमर निसार आरजे उमर ये साउथ कश्मीर से हैं और इनको वन जीरो वन बेस्ट कॉन्टेंट अवार्ड मिला है और ये इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड यूनिसेफ के तौर से तरफ से मिला है एनुअल रेडियो फॉर चिल्ड्रन 2022 अवार्ड मुंबई में इनको सम्मानित किया गया है क्लियर गाइस चले बढ़िया नेक्स्ट अब ये क्या न्यूज़ है न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 2026 तक बढ़ा दिया गया है तो हम लोग चाहते हैं कि रोजगार जो है वो और बढ़े और इसलिए इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है ठीक है फिर यहां पे आप देख सकते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही है पेड क्लास भी ऐसा हो सकता है लेकिन आप लोग अपना कैमरा ही ऑन नहीं करते हैं क्या बोलूँ मैं हाँ वो ऑटोमेटिक कैमरा ऑन सिस्टम शुरू हो गया है बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बी एंड बीजीबी तो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है वॉज ओपन एट सिलहेट और यहां पे इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ के रीजनल कमांडेंट तो यहां पे बीजीबी ये लोग बात कर रहे हैं यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश उस साइड से अकॉर्डिंग टू बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ऑफिशियल प्रेस रिलीफ चार दिन का ये सेमिनार होगा दो जून को यह समाप्त हो जाएगा भारत अपने टीम के साथ बांग्लादेश गया वाया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और ये द्वाकी मेघालय में खुलेगा ठीक है जहां पे उन्होंने बीजेपी जो कि वहां बांग्लादेश का फोर्स है उन्होंने इनको स्वागत किया इनका चले बढ़िया ये मोदी जी दिख रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान, प्रधान किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो प, ये क्या कर रहा है कि इंस्टॉलमेंट दे रहा है कि किसानों को और टोटल इनको देना इक्कीस हजार करोड़ का एस्टिमेट है जो कि भारत में दस मिलियन फार्मर्स को मिलेगा ठीक है तो मोर देन टेन मिलियन फार्मर्स को मिलेगा और ये यहाँ पे अभी शिमला में इसको अनाउंस किए हैं तो ये गरीब कल्याण सम्मेलन और ये बेसिकली किसान को एक इंसेंटिव देना चाह रहे हैं चले बहुत बढ़िया तो अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इतनी सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है अब आप बताइए कि कल एक और बात हुआ था प्रधानमंत्री केयर के बारे में बहुत न्यूज में रहा था हाँ गाइज यू कैन लाइक द सेशन प्लीज अच्छा पढ़ रहे हो कुछ और इधर से बहुत बढ़िया देख रहे हम शायद आप तुम्हारा कमेंट ठीक बिल्कुल तो अब आप बताइए कि केयर प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर मतलब चिल्ड्रन स्कीम का है केयर स्कीम ये कब किस साल लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री केयर देखिए ये 2021 में लॉन्च हुआ है ठीक है 21 प्रधानमंत्री चिल्ड्रेन केयर तो मोदी जी ने रिलीज किया था बेनिफिट प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रेन ये 30 मई का न्यूज है अब ये इस साल रिलीज किया गया और ट्रांसफर कर रहे हैं ये बच्चों को स्कॉलरशिप जो कि स्कूल जाते हैं एक पासबुक बनेगा प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रेन और यहाँ पे इनका हेल्थ कार्ड देखा जाएगा आयुष्मान भारत बीस में मर्ज है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इस स्कीम के बारे में आपको क्या पता है कि ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था 29 मई 2021 को तो इस साल इसका एक साल कंप्लीट हो गया है एम क्या है चाहता है कि बच्चों को सपोर्ट करें जिन्होंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया है या फिर लीगल गार्जियन या एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके या सर्वाइविंग पेरेंट को कोविड नाइन्टीन में किसी भी तरह से जो उनके गार्जियन है उनको खो दिया है और ये जो है ग्यारह मार्च दो हजार बाईस से लेकर 28 फरवरी दो हजार बाईस के बीच में हुआ है अब इनका मतलब ऑब्जेक्टिव यह है कि उनको कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिले और साथ ही साथ उनको प्रोटेक्शन मिले ठीक है और ये इस मैनर में दिया जाए कि उनका बोर्डिंग रहना लॉजिंग खाना पीना सब कुछ किया जाए और उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए साथ ही साथ स्कॉलरशिप दिया जाए और सेल्फ सफिशियंट बनाया जाए इनको फाइनेंशियल हर एक बच्चे को दस लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जब तक वो तेईस साल के एज के नहीं हो जाते हैं ठीक है ठीके? जिसमें उनके हेल्थ को भी ध्यान दिया जाएगा तो एक साल हो गया है ये पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप विच बैंक हैज हैजॉप्ड एस यू लेंडर्स चार्ट इन लोन ग्रोइंग एफ वाई दो हजार बाईस तो कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा लोन पी एस यू को दिया है हा ठीक है तो ये देखिए ये बैंक कौन सा है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक है स्टेट ओन्ड बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसने पी को सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड किया है इन टर्म ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे और पुणे में इसका हेडक्वार्टर है ठीक नेक्स्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है पोर्टल टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टीचर को एजुकेट करने के लिए एक पोर्टल है पोर्टल है ये एन है ठीक है तो बेसिकली ये एन ने लॉन्च किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं एन सी टी ई और नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है कि नेशनल ए आई पोर्टल इज सेलिब्रेटिंग इट्स विच एनिवर्सरी तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पोर्टल कौन सा साल सालाना मना रहा है कौन सा एनिवर्सरी मना रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वेरी गुड तो ये है आपका सेकेंड यानी कि दो साल हो गए हमारे ए आई पोर्टल को अगला परम अनंता सुपर कंप्यूटर है देखिए एक हो गया तिरचिनापल्ली में पोडुल परम पोडुल और अब है अनंता एक सुपर कंप्यूटर है ये किस आई में है तो यह है आपके आई गांधीनगर में ठीक है गांधीनगर में इसको डाला गया है अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अथॉरिटी है गा? इस आप लोग बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं मजा नहीं आ रहा है धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर को भी डिसाइड करना है डिस्कस करना है विच अथॉरिटी हैज लॉन्च पब्लिक डैशबोर्ड फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तो हेल्थ केयर सेक्टर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे बात हो रही है आपको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है ठीक है यस नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या हेल्थ अथॉरिटी है तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है हेल्थ अथॉरिटी होगा क्या सोच रहे हो तुम लोग अगला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा स्टेट है विच स्टेट हैज कम टू नो इंडिया लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व तो कल इस पे बारे में बात भी हुई थी आप लोग ये भी बोले थे कि के जी एफ थ्री फोर की शूटिंग यहीं पे होगी ये बिहार है अगला और कौन बताया ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है ओके okay. फिर नेक्स्ट आपको ये बताना है प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि 2026 तक एक्सटेंड किया गया है हिंदी जर्नलिज्म डे तो अखबार पढ़ते हैं आप लोग भी पढ़ते हैं मैं हमेशा जनरली यही बोलती हूँ कि पढ़िए तो अंग्रेज़ी में पढ़ लीजिए साथ ही साथ आपका अंग्रेज़ी भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा लेकिन किस दिन हिंदी जर्नलिज्म डे आप लोग ये भी बताइएगा कि सबके घर में एक हिंदी न्यूज़पेपर तो आता ही है है ना हिंदुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर कंप्यूटर जी आपके घर में कौन सा आता है तो आप लोग अपना न्यूज पेपर बताइएगा ये तीस मई को मनाया जाता है ओके okay. ठीक अच्छा कंप्यूटर जी के यहाँ हिंदुस्तान आता है। अब है यूएस चाइना एज चाइनाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ठीक यानी कि फर्स्ट नंबर पे आ गया यूएस सेकंड नंबर पे आ गया चाइना अब देखो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन इसको पढ़े अब आप बताइए कि थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री है कमेंट 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 थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री है है ना बढ़िया तो थर्ड नंबर पे है यूएई यानी कि हम लोग किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं थर्ड नंबर पे यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं अच्छा अगला अच्छा देखो थोड़ा सा पुराना हम लोग रिवाइज भी करेंगे ठीक है तो अब आप बताइए कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है वेन इज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड प्रभात चिंगारी अच्छा दैनिक भास्कर गोदी मीडिया देखता हूँ ओहो हिंदी 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 डोंट लाइक आई अवॉइड बट माई फैमिली लाइक इट्स आई कॉन्ट अवॉइड अच्छा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे खासकर वैसे न्यूज़ पढ़ने मतलब कुछ कुछ होता है क्राइम का न्यूज़ थर्ड फोर्थ पेज में तो मज़ा आता है पढ़ने में उनको ठीक तो यहाँ पे 21 मई को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल टी डे थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं साथ दीजिएगा और ये कौन मना रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ इसको मना रहा है ओके okay. फिर आप बताएंगे एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये आपका किस दिन होता है आप आतंकवाद के विरुद्ध किस साल काम करने वाले हैं सालों भर करना चाहिए लेकिन कभी कभी किस साल कर रहे हैं चलिए बताए तो ये है इक्कीस मई ठीक है राजीव गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं फिर आप बताएंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट तो अपना डायलॉग और डेवलपमेंट दोनों को इम्प्रूव करना है इसके लिए कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि हमारे देखो हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कहीं लिखना होगा तो लिख दीजिएगा बाकी देशों के सेक्युलरिज्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी कि वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म रहे लेकिन हमारे देश के सेक्युलरिज्म का मतलब होता है डाइवर्सिटी हमें वो बुके पसंद है जिसमें हर फ्लावर अलग अलग कलर का हो है ना अलग अलग ब्रीड का हो तो हमको अपने जितना भी डाइवर्सिटी है उसको बचा कर रखना है ये भी आपका इक्कीस मई को होता है सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं हाँ डेज वाले में स्किप करेंगे कोई बात नहीं एंडेंजर्ड स्पीशीज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज जो ऐसे ब्रीड हैं जो ऐसे स्पीशीज हैं जो कि विलुप्त होने वाले हैं वो हो गया आपका थर्ड फ्राइडे ऑफ मे ठीक है थर्ड फ्राइडे ऑफ मे को आप इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज बनाते हैं अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो एक क्रिटिकली इंडेजर्ड हो जाएंगे और फिर एक्सटेंड कर जाएंगे जैसे कि डोडो तस्मानिया टाइगर इसका बड़ा अजीब सा लगता है।, तस्मानिया टाइगर, है ना इसका पिक्चर देखिएगा अगर गूगल में ओके okay. फिर आप बताएं कि बी ए फोर ओमिक्रॉन वेरियंट सबसे पहले किस स्टेट में आया बी ए फोर बी ए डॉट फोर ओमिक्रॉन वेरियंट ओमिक्रॉन वेरियंट यह सबसे पहले तेलंगाना में आया तेलंगाना में सबसे पहले ये वेरियंट आया अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि कौन सी बॉक्सर है फिफ्थ इंडियन वेमेन बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड सब कुछ पढ़ाया गया है सब रिविजन चल रहा है दम बदमाशी नहीं सबको आंसर दीजिएगा तो ये बताएं कि वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप इनका नाम है निकत जरीन निकत जरीन ने 52 टू के जी कैटेगरी में यहाँ पे जीत लिया है कौन सा गोल्ड मेडल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ठीक है और इन्होंने थाईलैंड को हराया है ये कहां पे हुआ ये इस्तानबुल तुर्की में हुआ नेक्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट पॉप अप एयर वन फॉर फ्लाइंग कार्स तो अगर आपके पास उड़ने वाली गाड़ी है या फिर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एयरपोर्ट है दुनिया में और वो दुनिया का एयरपोर्ट है यूके में ठीक है तो यूनाइटेड किंगडम में आप जाके अपनी उड़ने वाली गाड़ी उड़ा सकते हैं क्या आपके पास कोई उड़ने वाली गाड़ी है ओके okay. तो भारत में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं निवेश कर रहे हैं ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है और कोई भी इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको प्रॉफिट दिखता है तो भारत में सबसे ज्यादा एफ फ्लो आया है जो कि अंदाजा रखेगा यूएस डॉलर 83.53 बिलियन का आया है यह अभी तक का हाईएस्ट एवर एफ फ्लो है सबसे ज्यादा लोग अभी निवेश कर रहे हैं भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है एफ फ्लो तो आ गया यानी कि भारत में लोग निवेश कर रहे हैं भारत अच्छा जगह है निवेश करने के लिए क्या आप ये बता सकते हैं कि किस स्टेट में हाँ बिल्कुल डॉग से भी गंदा वो लगता है एकदम तस्मानिया टाइगर लगता है कि जिसको खाना नहीं मिला हो ठीक है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एफ फ्लो है तो ये कर्नाटका में है लोगों को लगेगा महाराष्ट्र लेकिन आंसर कर्नाटका है कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र उसके बाद दिल्ली और कर्नाटका के किस सेक्टर में तो ऑब्वियस बात है सॉफ्टवेयर सेक्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑटोमोबाइल्स एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट है चलें नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नेशन है जो कि कह रहा है कि इस जहाँ से आगे जहाँ और भी है अब हम धरती पे नहीं रहेंगे इसको तो चले ही जाना चाहिए दूसरे देश में अब समझ ही गया होगा कौन सा है दूसरे प्लानिट पे तो ये बेसिकली चाइना का ऐसा टेलीस्कोप है जो कि दूसरे जगह हैबिटेबल प्लेस ढूंढ रहा है इसको धरती पर रहने का मन नहीं है दूसरा प्लानट जाके नासेगा ओके छोड़ो कॉटन काउंसिल ठीक है कपास की खेती जो कि ब्लैक सॉइल पे होती है रेगुर रेगुर सॉइल पे होती है महाराष्ट्र में होती है स्वराष्ट्र जो कि गुजरात में है वहां पे भी होती है कपास की खेती और ये ब्लैक सॉइल में होती है ब्लैक सॉइल जिसमें पानी डालने पे कीचड़ जैसा होगा और सूखने पे एकदम कड़ा कड़ा हो जाएगा ठीक है तो सुरेश भाई कोटक यहाँ के चेयरमैन बन गए हैं टेक्सटाइल एग्रीकल्चर कॉमर्स कॉटन कॉरपोरेशन के आपको ये भी याद रखना है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था तो गांधी जी ने बेसिकली केक काटा था ठीक है केक का मतलब चंपारण 1917 जानते हैं आप अहमदाबाद और खेडा 1918 तो इसको आप याद रखिएगा और ये जो अहमदाबाद है यही अहमदाबाद मील ओनर्स के विरुद्ध गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भी किया था ओके एस एन पी ग्लोबल रेटिंग ने बोला है कि भारत कितने परसेंट ग्रो करेगा तो ये कह रहे हैं कि भारत 7.3 परसेंट ग्रो करेगा रशिया और यूक्रेन के यूक्रेन के कारण भारत का ग्रोथ रेट कम हो गया है okay. क्या लग रहा है पुराने कुछ चीजें याद है नहीं याद है Guys, मुझे तो सही लग रहा है आप लोगों का आंसर जितना मैं देख रही हूं तो यहां आपको एयरक्राफ्ट सीखना है तो ये फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है यहाँ पर आप जाकर भारत ने खुद इसको बनाया है जहाज उड़ाना सीख सकते हैं सी आई एस आर द्वारा ये बनाया गया है डी नहीं है आंसर प्लीज बार बार डी मत बोलिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी नहीं है सी एस आई आर ने इसको बनाया है अ प्लेस कॉल्ड होम ये एक किताब है जो कि आपके परीक्षा में आएगा तो अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शिनॉय ने लिखा है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विमेन एमपावरमेंट को लेकर काफी सारी बातें की गई हैं और स्ट्रॉन्ग uh, फीमेल के बारे में बात की गई है और यहां पे आप देख सकते हैं ये एक जगह का, के स्टोरी के बारे में सकलेशपुर कर्नाटका ठीक नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट हैजनर्ड एक इंडियन ओल्ड ओल्ड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट देखिए तो बेसिकली जो अवॉर्ड है ठीक है सुनिएगा ध्यान से तो उसको दिया गया है 110 साल के हैं ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो बेसिकली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 110 साल के इन्वायरमेंटलिस्ट को अवॉर्ड दिया है ठीक है और ये प्रगति भवन में हुआ है और शीज कर्नाट करना, कर्नाटका की है तेलंगाना में इसको इनको अवार्ड मिला है नहीं गलत बता रहे आप लोग तमिलनाडु नहीं है ठीक है सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईए आई एस ऑफिसर तो किसने रिलीज किया एक सिविल लिस्ट 2022 आप जानते हैं इस बार की टॉपर श्रुति शर्मा है है ना और बिजौर के हैं लेकिन दिल्ली में पढ़ी हैं स्कूलिंग भी वहां से हुआ है सेंट की तो अच्छी बात है अच्छा एजुकेशन अच्छा रैंक फर्स्ट रैंक आप लोग भी ध्यान से पढ़िए कोई एग्जाम बड़ा या छोटा नहीं होता है इंपॉर्टेंट यह होता है कि अपना सपना पूरा करना है आपका सपना क्या है आप एग्जैक्टली exactly क्या बनना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले बनने के पहले तो हम ये बोलेंगे कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म बनाइए क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स नहीं हो पाता है उतना कैपेबिलिटी जो प्रैक्टिकल बात है कि वो आपको पढ़ाते रहें आप प्रिपरेशन करते रहें मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो कि अपने काबिलियत से पहले खुद सिक्योर हो अपने पेरेंट्स को सिक्योर करे क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 23, 24, 25 आपका वो रिस्पांसिबिलिटी है फर्ज है तो उसको निभाते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए वो ज्यादा अच्छा है है ना नेक्स्ट तो जितेंद्र सिंह जो है वो यूनियन मिनिस्टर है वो स्टेट मिनिस्ट्री पर्सनल पब्लिक रिवेंस एंड पेंशन के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह इन्होंने इसको लॉन्च किया है ओके okay. ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और ये 2022 में मीटिंग होगी हो अब ये फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं ये हैं चाइना में मिलेंगे ठीक है चाइना जो है ब्रिक्स के यानी ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आकर मिलेंगे इस बार की सारी ब्रिक्स की मीटिंग चाइना में है देखिए आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि ब्रिक्स दो हजार बाईस कहाँ हुआ तो आप बोलेंगे चाइना में असम राइफल्स और एक्सिस बैंक इन्होंने पार्टनरशिप किया है कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस बनाएंगे किस स्टेट में उनका मैं बहुत वाव मार्क्स नहीं आया था बट उन्होंने ए आई वर्ड किया अच्छा बिल्कुल तो बहुत वाव मार्क्स इंडिया में टॉप आ गया ना बस काफी नागालैंड ठीक है असम राइफल्स इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ नागालैंड में कहा है कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और वेलनेस बनाएंगे ओके राजीव रंजन और शिकांत पटनायक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं किस संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रवि मतलब राजीव रंजन और सित्तिकांत पटनायक याद रखेंगे इसको अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है क्वेश्चन आ सकता है इंडिया और यूएई एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्टार्टअप है उनके बीच में ब्रिज बनाए ठीक है तो स्टार्टअप ब्रिज अब ये असल में पुलिया नहीं है ठीक है तो बेसिकली बोला जा रहा है कि सब कोई आए मिले और मुंबई में बात करें अपने-अपने आइडियाज को शेयर करें और देखेंगे हम लोग और आगे कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं मधुमक्खी दिवस ठीक है मधुमक्खी दिवस होता है 20 मई को और इस बार का थीम है बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज़ ठीक है मधुमक्खी दिवस पॉलिनेटर है इसी देखिए यही पोलिनेटर एक फूल पे एक फसल पे बैठती है दूसरे पे जाती है एंथर्स स्टिग्मा यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है नया फसल होता है नया फ्रूट होता है तो ये पॉलिनेटर्स का काम होता है ओके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल दिवस ये हो गया 20 मई को मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा इस बार का थीम है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी दिवस यानी कि लोग समर्थ रूप से अपने काम को पूरा कर सके ये हो गया आपका थर्ड थर्सडे ऑफ मई पीपल टू थिंक टॉक लर्न अबाउट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नेक्स्ट डेफोलम्पिक्स भारत ने जो लोग सुन नहीं सकते हैं सुनने में असमर्थ हैं दिव्यांग हैं उनके लिए डेफोलम्पिक्स हुआ है शुरू और भारत ने मेडल जीता है भारत ने टोटल 16 मेडल जीता है जिसमें से एट गोल्ड मेडल है एक सिल्वर है और सेवन ब्रॉन्ज मेडल है नाइन्थ पोजीशन पे इन्होंने कंप्लीट किया है ओके okay. कौन सा स्टेट है जो कि नन जार, जारयन थंक ठीक है तो टैंक है ये नन जारायन टैंक और ये बर्ड सेंचुरी इसका नाम है ठीक है तो बेसिकली इस जगह को जो कि टैंक है इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है ये तमिलनाडु है जिसने नन जारयन टैंक को या लेक को लेक कह सकते हैं तो इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया है कोलीपल में तमिलनाडु में ये है ओके हाइएस्ट बर्ड स्पीशीज देखिए विविधता ठीक है गाइज आप लोग आंसर बड़ा स्लो कर रहे हैं क्या हुआ नहीं याद है याद नहीं आ रहा ठीक है अगर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिनेटर विंड और बीज में दोनों में क्या आंसर होगा विंड ही होगा बीज हर में थोड़ी हो सकती है फ्लावर में होगी ना ठीक है तो यहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा बर्ड कहाँ मिलती है तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तरीके की बर्ड मिलती है स्पीशीज डाइवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में उसके बाद और फिर महाराष्ट्र में अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी अभी अपॉइंट किया है किसको अपना चेयरपर्सन क्या हुआ थक गए हो कि तुम लोग आज क्या हो गया है बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं व्हाट एपन गाइस नहीं याद आ रहा आंसर हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स को ताकि जब नए पढ़े तो पुराने भूले नहीं तो ये है सुभाष शेयरतन मुन्द्रा रतन मुन्द्रा ये बन गए हैं बी एस सी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनको अप्रूव किया है ओके okay. गोपाल विट्ठल भी बने हैं एमडी और सीईओ क्या आप बता सकते हैं कि गोपाल विट्ठल कहाँ के तो ये भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ बन गए हैं अगला क्वेश्चन कि एमडी सीईओ ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो एल के एम और सीईओ कौन बने लार्सन एंड ट्यूब्रो के एम और सी कौन बन गए हैं तो ये है एस एन सुब्रमण्यम एस एन सुब्रमण्यम ये सीईओ बने हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के ओके भारत में पॉलिटिशियन बने क्रिकेटर यानी कि क्रिकेटर थे फिर पॉलिटिशियन बन गए और इनको 30 साल पुराने केस के कारण अभी अभी एक साल का कारावास सुना दिया गया है वन ईयर इम्प्रजमेंट इनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू इनका भी लाइफ काफ़ी डाइवर्स रहा है, है ना अच्छा लगता है देख के इनका लाइफ क्रिकेटर हैं कॉमेडियन मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में है उसके बाद आप जानते हैं कि पॉलिटिशियन हैं क्रिमिनल भी हो गए हैं ठीक तो अंबुजा सीमेंट ने ए को मतलब अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट ए को खरीद लिया ये है ये खरीदा है इन्होंने 10.5 बिलियन डॉलर में ओके okay. फिर बताया जा रहा है कि कौन से इंडियन हैं जिन्होंने इलेक्ट हो गए हैं ये यूएस नेवल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए यूएस नेवल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इनको अभी अभी ये बन गए हैं इलेक्ट हो गए तो ये है कमल बाबा कमल बाबा ये एट्री कमल बाबा यहां पे बन गए हैं ओके okay. फिर आप बताएंगे कि किस्टिजियस कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर तो ब्रिटिश में अवार्ड मिला है किसको ये मिला है बालकृष्ण दोषी को बालकृष्ण दोषी को भी मिला है एक ये भी याद रखेगा ये मैं बताऊंगी कौन सा अवार्ड मिला इनको बेसिकली ये आर्किटेक्चर है ठीक है तो आर्किटेक्ट में इनको मिला है। ये याद रखेंगे और अजय परिमल को ये मिला है इनको क्वीन ये कमांडर ऑफ क्वीन अवार्ड इनको मिला है ठीक है चले बढ़िया और आर्किटेक्टर में पूछा जाएगा तो बालकृष्ण दोषी हार्डेस्ट प्लेस हार्डेस्ट प्लेस एक किताब लिखा गया है क्या आप बता सकते हैं कि हार्डेस्ट प्लेस किसने लिखा है सपना चैतन्य उपासना चंचल हिमांशु प्रणय राहुल वैभव कार्तिक पूजा आयुषी विक्रांत हर्षदा रजत लक्ष्मी ठीक है सबका आंसर आ रहा है और बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ देख रहे हैं आंसर नहीं कर रहे हैं तो ये है वेले मॉर्गन इन्होंने ये किताब लिखा है ऑथर और जर्नलिस्ट है वेलेसले मॉर्गन। अगला भारत में गुडविल एम्बेसडर 20 साल से यूनिसेफ के यानी कि जो चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं कौन है जो गुडविल एम्बेसडर है भारत में 20 साल से यूनिसेफ के तो ये सचिन तेंदुलकर हैं सचिन तेंदुलकर 20 साल का रिकॉर्ड है इनका कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं भारत में नेक्स्ट कौन सा रेलवे जोन नवदूत शुरू कर रहा है डुअल मोड लोकोमोटिव तो ये बैटरी ऑप्टिमाइज है बैटरी से ये ऑपरेटेड है और यहाँ पे ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे इसने बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव शुरू किया है जिसमें ई बाइक ई कार ई बसेस और अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया है ई ट्रेन नवदूत वेस्ट सेंट्रल में है और ये जबलपुर और मुद्वारा में पहले इसको चेक किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुपोषित माँ सुपोषित माँ यानी कि एक आ, औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उनके आप सोच रहे हैं कि ऑलरेडी अपना हेल्थ कोई पूरा कम्पीट नहीं कर पाता है न्यूट्रिशन से एक और बच्चा है उनके साथ तो उसके लिए ये स्कीम शुरू किया गया है कोटा राजस्थान में इसका सेकेंड एडिशन है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी क्यों क्योंकि वो कोटा के ही हैं कोटा से ही वो जीते कॉन्स्टिट्युएंसी उनका कोटा ही है है ना तो उन्होंने सुपोषित माँ को शुरू किया है ओके टेल्थ हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप तो ये किसने जीता है ट्वेल्थ हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप ओडिशा ने जीता है ठीक है ओडिशा ने इसको जीत लिया है इंडिया सीनियर विमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ओडिशा ओके okay. किसको हराकर कर्नाटका को हराकर कहाँ हुआ मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन से किस देश में डेथ होती है गाइज एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि पूरे मे को हम लोग आज कवर कर लेंगे और कल से सिर्फ जून के करंट अफेयर्स चलेंगे बीच बीच में हम लोग सिक्स मंथ करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे ठीक है तो एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में होती है हाँ नेक्स्ट होल सेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब तो ये अप्रैल का हो गया तो इसको याद करना ज़रूरी नहीं है पंद्रह तक हो गया फिर वाद नगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस कंट्री ने होस्ट किया तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वादनगर में गुजरात ने होस्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन टेंशन से बहुत लोगों का निधन हो जाता है लोग फालतू का भी टेंशन लेते हैं एंजाइट होता है फिर दवाई में खर्चा करते हो और पैसा खर्च होता है और इशू होता है तो हाइपर टेंशन आपका सत्रह मई को होता है ठीक है हाँ बोल रहे कि एयर पोल्यूशन से मरने में टॉप किया है तो कहीं तो टॉप किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये हाइपरटेंशन हो गया टेलीकम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका सत्रह मई को मतलब कि जो आपका टेली चल रहा है आप लोग तो आई वाले हैं आप लोगों को पता ही है बुध पूर्णिमा वेशक इस बार कब मनाया गया वेशक दिवस तो बुध पूर्णिमा 16 मई को मनाया गया ओके okay. दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सस्पेंशन सस्पेंशन ब्रिज आप लोग में से जो भी सिविल इंजीनियर है वो समझ गए होंगे सस्पेंशन क्या होता है? स्काई ब्रिज सेवन टू वन ये कहावन तो टू वन ठीक है और अगर हम सबसे अगर हम सबसे लंबा ग्लास ब्रिज पूछेंगे तो भी इतना बताइएगा ओके चले मोहम्मद बिन जायद अल नेहान ये बन गए हैं मोहम्मद बिन खलीफा अल नेहान के निधन के बाद यहाँ के प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट कहाँ के बने हैं तो ये यू के प्रेसिडेंट बने हैं सबसे अच्छा ठीक है याद रहेगा आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया हाँ प्राग जो है कैपिटल हिड ऑक्स्टार में आप लोगों ने देखा ही होगा रणबीर सिंह वही रणबीर कपूर वहीं ना जाता है प्राग किस क्या नाम था उस एक्ट्रेस का आई डोंट रिमेंबर आप लोगों को तो याद ही होगा आप ही लोग बता दीजिए चले तो मानिक शाह बन गए हैं त्रिपुरा के सीएम और उनके साथ और 11 मंत्री भी बन गए हैं वहां के कैबिनेट मिनिस्टर मानिक शाह याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास अगर आप 20 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं ओके स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप हुआ है एनएसडीसीआई तो एन एस डी सी आई ने इसको सेटअप किया है और ये वाराणसी में अभी बना है नेक्स्ट नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीए पी नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कौन सी मूवी रॉक स्टार हा तो ये नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ये नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेक्स्ट रिजर्व बैंक ने पेनाल्टी लगा दी है साउथ कोरियन बैंक पे ये साउथ कोरियन बैंक कौन सी है तो ये है के ई बी हैना बैंक के ई बी हैना बैंक पे पेनाल्टी लग गई है ओके विच कंट्री विच कंट्री का टीम जीत गया है उबर कप तो थॉमस कप हमने जीता है और इंडोनेशिया को हराकर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया को साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर बैंकॉक में जीत लिया है ऊबर कप ओके संस्कृत के स्कॉलर हैं पद्मश्री पद्मश्री विजेता भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी इनका निधन हो गया है इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो हम लोग इनको वाग्य शास्त्री के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड लाइन इंडिया ठीक है वर्ल्ड लाइन इंडिया कंपनी है और बैंक ऑफ इंडिया बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि हम भी पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाए तो आप बताइए कि डिजिटलाइज तो ठीक है और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि यहाँ का पुलिस भी डिजिटलाइज हो जाए तो जो चलान कटता है पुलिस कभी कभी चलान नहीं काट के पैसा ले लेते हैं ऐसे ही तो अब चलान ई चलान कटेगा ये मध्य प्रदेश में पुलिस जो है वो ई चलान काटेगी डॉक्टर रामाकान्त शुक्ला जी का निधन हो गया रामाकान्त शुक्ला कौन थे क्या ये जर्नलिस्ट थे क्या ये पोएट थे साइंटिस्ट थे या कोई भी नहीं थे कई आप लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे प्लीज ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सब सही चल रहा है और रोज हम लोग इस तरह से एक घंटा देखो अपने आप को झकझोर दो झकझोरने का मतलब समझते हो लग रहा है यार मैम कितना क्वेश्चन करवा रहे हो क्यों करवा रहे हो यानी कि तुम्हारा हम इंडियोरेंस बढ़ा रहे बर्दाश्त करने का क्षमता बढ़ा रहे तो अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेच करोगे तभी पहुंच पाओगे जहां जाना है ठीक तो है तो यह लिटरेचर रामाकांत शुक्ला जो है वो लिटरेचर के फील्ड में इनको मिला था अवार्ड रूलर ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ पे बना है रूलर ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट क्लियर है तो यह बना है कब भोपाल में बना है ठीक है भोपाल में ट्राइबल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है वेरी गुड भारत का सोलर एनर्जी मार्केट इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट तो ये शुरू किया गया है ताकि लोग ज्यादा सोलर एनर्जी की तरफ जाए और ये किसने शुरू किया गया है किया है तो ये आप देख सकते हैं भगवंत खूबा जो कि मिनिस्टर है स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ठीक है कैबिनेट नहीं रिन्यू एंड रिनीबल एनर्जी और इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी की तरफ जाए और ये कहाँ पे हुआ ये सेंटर म्यूनिक जर्मनी में एग्जिबिशन एक, हुआ है एम्पावरमेंट गर्ल एम्पावरमेंट तो ये पूछा जा रहा है कि विच कोलैबोरेशन हैज स्टार्टेड गर्ल एम्पावरमेंट मिशन तो ये एनटीपीसी है एन ने शुरू किया है गर्ल इम्पावरमेंट मिशन ताकि लड़कियों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जा सके आठ कल मैंने देखा था ए 177 तो शी इज इन्होंने कम्पीट किया है और साथ ही साथ उनका तलाक का मामला चल रहा था तो आप लोग बोलते हैं कि मैम मेरे लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैंने पूछा है बात की है मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप बोलते हैं मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप सीखिए कि कोई ऐसी औरत जिसका बच्चा भी है उसको दहेज उत्पीड़न के लिए मारपीट हुआ है उसके साथ और साथ ही साथ उसका तलाक का केस चल रहा है मेंटल स्टेटस क्या होगा और उसके बाद भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करके 177 रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया लाना मतलब गूज बम्स करने वाली स्टोरी है ये कि साथ में तलाक का केस चल रहा है और कल परसों उनका यूपीएससी का रिजल्ट आया है राइट right? तो आप लोग सीखिए इस बात से चलें वर्ल्ड म्यूजियम डे तो वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाया जाता है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको पता है आपको डेज नहीं पसंद इसलिए हम डे का ही क्वेश्चन दे रहे हैं और साथ ही साथ देखिए आपको मैं बता दूं कि आज फर्स्ट जून है आज भी आप संकल्प लेते हैं और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है हाँ जेफ -कैट का नोटिफिकेशन आने वाला है तो अगर आप संकल्प लेते हैं कि पढ़ना है और किसी तरह सोच लो कोई दहेज उत्पाड़ना है किसी का घर आप देखेंगे कच्चा ईट का बना हुआ है मतलब कि ईटा में सीमेंट भी सेट नहीं है ईटा है बस वहां रह के वो बच्चा पढ़ के यूपीएससी निकाल रहा है तो आप लोग का जो ड्रीम है वो नहीं निकाल सकते निकाल सकते हैं ना जब सबसे टफेस्ट एग्जाम इस कंडीशन में भी निकाला जा सकता है तो फिर आप लोग अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं आपको एयरफोर्स में जाना है नेवी में जाना है आर्मी में जाना है ए जाना है जेई में एग्जाम देना है तो कर सकते हैं बस आपको मेहनत करना है और एक और चीज़ हम लोग आपका बस इतना हेल्प कर सकते हैं कि मेहनत आप सही डायरेक्शन में करें राइट तो मेहनत सही डायरेक्शन में करें इसलिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मैंने यहाँ पे क्लिक किया है अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन और इसके वेबसाइट पे मैं जा रही हूँ अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है और फिर आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे आप डिफेंस की तैयारी करें इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं एस एस जेई बैंक जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ले लो संकल्प कि आज एक तारीख हो गया है आज से दो महीना तीन महीना रगड़ के मेहनत करेंगे एकदम अपने आप को जला देंगे तपा देंगे ठीक है बीस घंटा पढ़ना मतलब बीस घंटा का आउटपुट का बात कर रहे की की बार बार रिवीजन अब मान लो कि आज मैंने बैठ के इंडिया के सारे रिवर्स उसके ट्रिब्यूटरी याद कर लिए टाइम लगा एक घंटे बाद याद हुआ लेकिन कल अगर हम पढ़ेंगे इसी चीज को तो क्या हमको आधे घंटे में नहीं हो जाएगा तो एक घंटे का आउटपुट दे दिए ना यानी कि रिविजन और प्रैक्टिस और बार बार अपने सिलेबस को देखकर वही टॉपिक की वर्ड्स देखिए आपका सिलेबस क्या है उसको बार बार ध्यान से देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है यानी कि आपको पढ़ना है 1857 से लेकर 1950, 1947, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रावधान किस देश से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है देखो आज तुम भागोगे हम समझ रहे हैं एज अ स्टूडेंट भी हम बात कर रहे हैं अब समझ रहे हैं कि मेरा भी बहुत ज्यादा एज नहीं है आज भागोगे लेकिन कल क्या होगा कल यही चीज बड़ा इजी लगेगा अब मान लो कि जब तुम स्टैंडर्ड टेन में थे या नाइन uh, में थे तो बोर्ड में अब तो उतना मार्क्स आ गया है जितना आना था लेकिन अगर अब वही किताब तुमको दिया जाए तो अफसोस नहीं होता अरे यार इतना इजी चीज था उस समय हम नहीं देखे उस समय नहीं पढ़े तो वो चीज ये जो है ना ये मोमेंट तुम अपना आज क्या सोचते हो कि मेरा कल अच्छा रहे तो तुम्हारा आज भी तो कभी ना कभी तुम्हारा कल था ठीक है आज से दो साल पहले आज जो तुम लाइफ जी रहे हो इसके बारे में भी तो सपना देखे देना कि मेरा ये टाइम अच्छा रहे समझ रहे मेरा बात तो हम कह रहे हैं कि बस आपको अफसोस ना हो आपको रेग्रेट ना हो कि यार उस समय बड़ा इजी था एफ कैट निकालना सीडीएस निकालना कितना इजी था सिलेबस भी बड़ा नॉर्मल था डायरेक्शन भी मिल गया था लेकिन हमने निकाला तो बस हम ये कह रहे हैं कि उबते हैं आप लोग पोटेंशियल है पढ़ते भी अच्छा है लेकिन उबते हैं क्यों उबते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो मेहनत है कभी कभी इधर उधर डायरेक्शन में चला जाता है है ना तो उस मेहनत को आप सही डायरेक्शन में लेकर जाए सही डायरेक्शन के लिए देखिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम खुद यहां पे जीके पढ़ा रहे हैं तो हम इतना तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन बहुत सही है और बाकी टीचर में से और ज्यादा सुप्रीम है एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट्स में तो इसीलिए आपको सही डायरेक्शन मिलता है यहां पे आज देखिए एफ कैट का नोटिफिकेशन निकला है तो सबसे पहले मैं एफ कैट के बारे में बताऊंगी आज निकले नोटिफिकेशन तो डबल वैलिडिटी ऑफर अभी भी चल रहा है Fcat ब्रह्मास्त्र जो कि आज खत्म हो जाएगा अब ये नहीं देखेगा नोटिफिकेशन आने तक उसके पहले ही खत्म हो जाएगा तो सोलह सौ में डबल वेलिडिटी ऑफर यानी कि एक साल के लिए एफ कैट टू मिलेगा आपको और अगर आप एफ कैट वन में जाना चाहते हैं यानी कि आप शुरू से ये तो आपका बैच चल रहा है बीस तारीख से भी, आ, पर भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है दस दिन ही हुआ है इस बैच का एफ कैट टू में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं ये आप व्यू ऑफर्स में वाई थ्री थ्री टू अगर आप यूज करते हैं वाई तीन सौ बत्तीस तो दो हजार रुपए में आपको ये एफ कैट टू का बैच मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र जो कि जो कि छह तारीख से शुरू होगा आज एक तारीख हो गया छह तारीख से ये शुरू हो जाएगा आपका नेक्स्ट एफ कैट टू का बैच ओके क्लियर है गाइज तो ये हो गया आपका एफ कैट आप बता दीजिए आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं मैं उसका बैंच आपको बता देती हूं हाँ ठीक है तो अगर जैसे आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें यहां पे इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं यहाँ गेट इन इंजीनियरिंग एग्जाम है जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं एस या जेएसएससी लेकिन हम आज बोलेंगे कि सबसे अच्छा महापैक ले लो महापैक में क्या फायदा है कि देखिये इंजीनियरिंग का एग्जाम में क्या होता है वन डे एग्जाम है उसके बाद कोई कोई एग्जाम में इंटरव्यू है अगर वो गैजेटेड एग्जाम है तो यहाँ पे आपको क्या फायदा होता है कि जितना भी आपका एस है और जितना भी आपका जे देखिए हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन एग्जाम है पहले बोलने से अच्छा हम दिखाई देते हैं देखिए यहाँ पे आपको जितना एग्जाम दिख रहा है ठीक है ओ एन जी सी एस एस सी एम पी सब स्टेट का ए जे सब कुछ आपको एक ही महापैक में मिल जाएगा जितना परीक्षाएं जो भी आपका आते रहता है बीच बीच में सब आपको महापैक में मिल जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग में तो सबसे अच्छा तुम महापैक ही लो ठीक है तो सिविल का है जैसे मान लीजिए तो यहां पे आपको कोड यूज करना है कौन सा कि आप वाई तीन शुरू कर दीजिए कोड वाई और अप्लाई कर दीजिए तीन हजार छ सौ सेवेंटी नाइन रुपीज में आपको मिल जाएगा अब ये पैक ले लीजिए एक टीचर मिल गया एक डायरेक्शन मिल गया रोज टीचर होमवर्क देगा बता देंगे कि कौन सा टॉपिक है आपको वो पढ़ना है और एक ही टीचर नहीं है आपको टेक के अलग टीचर है नॉन टेक के अलग टीचर टेक में भी दो दो टीचर हैं आपको पता होगा नॉन टेक में भी अलग अलग जैसे जीके मेरा है मैम पढ़ाती हैं इंग्लिश एक सारे कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं फिर मैथ्स रीजनिंग सब सारे टीचर्स आपको मिलकर एकदम ठान लेंगे कि एग्जाम क्वालिफाई कराना ही है और बाकी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप सी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल मेरा सी का क्लास शुरू हो चुका है तो आप जानते हैं कि आज सेकेंड क्लास है और सी में डिफेंस एग्जाम्स में आप जाएंगे सी में आप प्रिपरेशन करेंगे डबल वेलिडिटी यहाँ पे भी चल रहा है महापैक लेने का फायदा ये है कि सी डी एस सी महापैक में मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे आपने महापैक ले लिया तो सी डी एस सी ए पी एफ एफ कैट सी आई एस एफ असम राइफल्स जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब आपको महापैक में मिल जाएंगे ये महापैक दो साल के लिए है ठीक है कोड अगर आप यूज करते हैं Y332 तो ये महापैक आपका तीन में दो साल के लिए और एक और महापैक है जो कि डबल वेलिडिटी में आपको एक साल के लिए मिल जाएगा देखिए ये जो छह महीने का महापैक है ना ये अगर आप लेते हैं आज और कोड यूज करेंगे आप कौन सा फिर से बता दू कोड तुम ताकि हो जाए तुम्हारे लिए थोड़ा सा कम दाम का वाई तीन सौ बत्तीस तो ये हो जाएगा तुम्हारा दो हजार सुरु, रुपए का ठीक और अगर सिर्फ सीडीएस में जाना है तो आप जानते हैं ऑल कोर्सेज में गए डिफेंस में गए सीडीएस में गए तो सिर्फ सीडीएस में जाना है तो यहाँ पे भी डबल वेलिडिटी है ओटीए है सिर्फ जीके और इंग्लिश uh, है तो ये और जीके इंग्लिश के साथ मैथ्स है तो ये ए वाला तो ये तो सिर्फ लड़कियों का है ये लड़ मतलब ये सिर्फ लड़कों का है ये लड़की लड़का दोनों का है तो जो लड़का सिर्फ ओ में जाना चाहता है वो ये ले सकता है लड़की के लिए तो सिर्फ यही है कोड तो यहाँ पे सबसे प्रो कोड है भाई, 332, CDS में दो हजार रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा आज मेरा सेकेंड क्लास है बारह बजे तो जो लोग अभी तक इसमें नहीं आए हैं आ जाइए क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो उसके लिए इस बैच को बनाया गया है फर्स्ट इकोनॉमिक्स है फिर ज्योग्राफी है फिर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी भी मिल जाएगा तीन चार दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश और साइंस भी है साथ में ठीक है असम राइफल्स का तैयारी करना है तो बिल्कुल आप सीआईएसएफ का बैच ले लीजिए ठीक है असम राइफल्स का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो हम बता रहे हैं आपको अब आपको अब का बैच ले लीजिए सेम उसी में आपका असम राइफल्स भी चल रहा है और सीआईएसएफ का बैच तो और बहुत कम का है ये सिर्फ नौ सौ उन्नीस रुपए का है ठीक है असम राइफल्स या जैसे भी आपके एक्स वाई ग्रुप्स ये सब जो भी आते हैं ना क्लास एग्जाम्स उसके लिए सबसे अच्छा बैच यही है वाई तीन सौ बत्तीस मैंने यहाँ पे लगाया है और इसको अप्लाई कर दिया है तो ये नौ सौ उन्नीस रुपए का ये बैच अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्री में आपको क्विज मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा uh, जॉब एलर्ट्स ठीक है और बहुत सारे मॉक प्रैक्टिस मिल जाते हैं लिख रहा है दीपांशु की तीन सौ बत्तीस लगाओ डिफेंस में जाओ अच्छा सो थैंक यू ठीक है स्पीड को कम करें अच्छा ठीक है देखा देखते हैं उस पर भी विचार करते हैं रोज सुबह करंट अफेयर्स के लिए एकदम डट जाओ मेरे साथ और करेंगे करंट अफेयर्स बहुत लोगों को लगता है कि भाई कितना भी पढ़ ले नहीं होगा जो भी पढ़ेंगे वही आएगा ये गारंटी करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ेंगे ठीक है सो थैंक यू फॉर द सेशन